नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट वापस ले ली है। अब सिर्फ 50 लोगों में ही शादी समारोह को संपन्न कराना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की तैयारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम करें, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। मेरी सभी से अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है पिछले 24 घंटों में 99 लोगों की मौत हुई है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। कोरोना का कहर किस तरह बरपा है दिल्ली में, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी कोरोना के चलते लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो